ज़्यादातर 99% जो पंजाबी हैं और कितने ही जो हमारी सरहदों पर भी हमारी सब वो लोग और भिंडरांवाला का जो ऑपरेशन किया था वो भी पंजाबियों ने ही किया था और उन वो भिंडरांवाला को संत नहीं मानते हैं, वो टेररिस्ट ही मानते हैं। जी, भिंडरांवाले को जो है वो आपने आतंकी दिखाया है, उस चीज़ को लेके मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, मुझे शोषित किया जाएगा। मेरी फिल्म को जो है इट इज़ सो एम्बैरेसिंग फॉर मी। 3 कट लगे हैं, 10 बदलाव करने पड़े हैं। जी, और उसके साथ ही हमें कितना नुकसान हो गया। फिल्म 4 दिन पहले, रिलीज़ के 4 दिन पहले जो है बैन कर दी जाती है। तो आई थिंक ये एक तरह से मैं कहूँगी कि एक लोकतंत्र में जो है, और आप बीजेपी की सांसद हैं जिनकी सरकार है। देखिए अमित जी, आप उसमें नमक मिर्च लगा के ज़्यादा बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन द लार्जर ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स, अब मैं आपको एक जो इंसान सांसद में भी बैठता है, संसद भवन में भी बैठता है, उसके हिसाब से मैं कहूँगी इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, कोई भी एक व्यक्ति विशेष कोई भी मायने नहीं रखता है। और खासकर फिल्म की तो कोई हैसियत ही नहीं है। नेशन फर्स्ट है और हर पार्टी के लिए नेशन फर्स्ट होना चाहिए। और अगर आज हम भारतीय जनता पार्टी की इतनी इज्जत करते हैं इसीलिए क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है। तो आई थिंक तो हर एक, अगर एक भी, मैं तो ये कहूँगी अगर एक भी थिएटर में कुछ किसी को कोई आपत्ति हो जाती है या किसी को कुछ किसी तरह से डरा दिया जाता है तो हमें वाकई में बुरा लगेगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये सरकार की जो है पूरी सपोर्ट के साथ ये फिल्म। खबरें ऐसी आ रही है कि पंजाब में बैन कर सकते हैं इस फिल्म को, खबरें इस तरह की आ रही हैं। नहीं, वहाँ तो खैर कुछ लोग इस तरह के घिनौने प्रदर्शन कर रहे हैं, मेरे पुतले जला रहे हैं, किसी तरह की मुझे जो है वो बातें और लोगों को भड़का रहे हैं। तो लेकिन मैं पंजाब के बहुत नज़दीक, मैं हिमाचल प्रदेश में रहती हूँ और मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर 99% जो पंजाबी हैं और कितने ही जो हमारी सरहदों पर भी हमारी सब वो लोग और भिंडरांवाला का जो ऑपरेशन किया था वो भी पंजाबियों ने ही किया था और वो भिंडरांवाला को संत नहीं मानते हैं, वो टेररिस्ट ही मानते हैं। जी, इस दौर में एक और भी वेब सीरीज़ आती है IC814, जिसमें आतंकियों के नाम बदल दिए जाते हैं, उसके ऊपर कोई कट नहीं लगता, फिर उसकी शिकायत होती है, तब उस पर कुछ सवाल पूछे जाते हैं। क्या आपको लगता है डबल स्टैंडर्ड है? आज जिस मुकाम पर हम हैं टेक्नोलॉजी के साथ, आई थिंक सेंसर टू बी ऑनेस्ट एक रिडंडेंट बॉडी बन के रह गया है। और इस बात को मैंने जो पिछला पार्लियामेंट सेशन हुआ था उसमें भी उठाया था कि जिस तरह की चीज़ें OTT पे दिखाई जा रही हैं, जी, YouTube पे बच्चों को एक्सेस है। मतलब हमें डर लगता है, कोई बच्चा फ़ोन कुछ कार्टून ही देख रहा, कब स्लाइड करके क्या आ जाए, आप सोच भी नहीं सकते। जिस चीज़ का एक्सेस है और सिर्फ पैसा देके आप कोई भी चैनल का एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और हम लोग इतना जूझते हैं सेंसर के साथ, ये आपने ब्लड क्यों दिखाया, ये आपने कट क्यों दिखाया, ये जैसा आपने सुना हमें इतने कट्स जो है वो कहा है करने के लिए। तो मुझे तो लगता है कि वी नीड टू रीथिंक। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को सेंसरशिप की ज़रूरत है तो वो है OTT प्लेटफॉर्म। पर क्यों नहीं हो रहा ऐसा? मैंने तो पिछली बार भी संसद में ये चीज़ विषय को उठाने पर, अब तो आप ही की सरकार है, आप लोग बोलिए। ये तो आप तो ऐसा देखिए, आप अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं। हमारी सरकार तो नहीं है खैर, पर हम एक वहाँ पे बैठते हैं और आपका एक प्रोसेस होता है, आपको मंत्रालय में क्वेश्चन डालने होते हैं, आपका 0 आवर होता है, आपका 377 आवर होता है, उसमें आपके क्वेश्चन डाल। और ये जो OTT का मुद्दा है इसको लेके मैंने बहुत चक्कर भी काटे और अभी तक तो खैर इस पे कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं देश में और भी कई मामले होते हैं उस सेशन के दौरान। लेकिन मेरी ये उम्मीद है कि OTT पे जितनी जल्दी हो जाए, सेंसरशिप जितना जल्दी हो जाए हमारे देश के लिए उतना ही अच्छा है। आपने कहा कि आपने इस दौर में इंदिरा गांधी को बहुत पढ़ा और आपकी एक सोच में भी बदलाव आया, तो आपको लगता है कांग्रेस के नेताओं को भी आपकी फिल्म पसंद आनी चाहिए? देखिए कांग्रेस के नेताओं से तो मुझे कोई उम्मीद रह नहीं गई है आफ्टर व्हाट हैज़ हैपन टू माय फिल्म। अगर इनमें एक थोड़ी भी इंटेग्रिटी होती और इनमें थोड़ा भी हल्की भी इनमें शर्म होती तो मेरी फिल्म को लेकर इतनी महिलाएं इनकी नेता हैं या इतने सारे नेता, इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये लड़की को भी हक है। हमने पहले भी देखा हुआ है कि कुछ फिल्में हैं, चाहे वो पद्मावत हो या चाहे उड़ता पंजाब हो, उन फिल्मों को लेकर जो है वो अच्छे से रिलीज हुई वो फिल्म, चाहे वो किसी की नाक काटने की धमकी दी गई हो, किसी का गला काटने, लेकिन सरकार ने उनका पूरा संरक्षण किया और अच्छे से वो फिल्में रिलीज़ हुई और आई। लेकिन जब मेरी फिल्म की बारी आई तो मुझे किसी ने, मैंने खासकर कांग्रेस के लोगों ने, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और ना ही मेरी फिल्म के बारे में ना इंडस्ट्री ने। और खैर आई डेफिनेटली फील दैट आई एम कम्प्लीटली ऑन माई ओन। एंड इस तरह की जब मैं भावनाएँ देखती हूँ और इस तरह की मैं जब संकीर्ण सोच देखती हूँ तो मुझे क्या ही उम्मीद रह जाएगी इन लोगों से, आप खुद सोचिए। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कांग्रेस के लोग पसंद नहीं है, आपको बॉलीवुड के भी कई लोग पसंद नहीं है। आप कईयों को पागल कहती हैं, कईयों को स्टूपिड कहती हैं, किसी को बिर सिर पैर का कहती हैं, ऐसा क्यों कह देती हैं आप? देखिए क्या होता है ना, आप अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसे दो चार बातें उठा के सुना रहे हैं कि एज इफ यू नो ये इलिजिटिमेट है और मैंने ऐसे ही कह दी। उनके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है और लार्जर कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो बॉलीवुड ने जितना इस देश का कबाड़ा किया है, दे शुड टेक ओनस फॉर इट। यू नो, जब हम लोग देखते हैं कि जितने भी ये एक्टर्स हैं वो शो ऑफ के हमारे पास इतने 100 हज़ारों करोड़ की संपत्ति है, और जब आप देखते हैं कि गुटखा की ऐड करते हैं, क्या इनकी क्या मजबूरियाँ होगी इनकी कि ये गुटखा की ऐड करके चबाते हुए आते हैं स्क्रीन पे। ये लोग जो हैं, जब भी कोई भी एंटी नेशनल एजेंडा हो, चाहे हमारी डिप्लोमेसी में, चाहे हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई भी हो, यू नो, चाहे वो पैलेस्टीन को लेके खड़े होना, ये सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। एक लाइन में ये मानवता का जो है वो झंडा लेके ये लोग खड़े हो जाते हैं और देश को जो है जब कुल्हाड़ी मारनी हो तो सबसे पहले पीठ पे ये लोग खड़े हो जाते हैं। 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का इनका रेट होता है इसका, चाहे वो स्टोरी डालनी हो या चाहे वो ट्विटर पे डालना हो, ये कुछ। और जब आइटम नंबर करने की बारी आती है तो ये इज्जतदार लोग, ये मानवता के सबसे पहले सेक्सुअलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले भी बताया, वो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। 9-9, 6-6 साल के जो छोटे छोटे बच्चे